कोई भी आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। दोस्त, यह वीडियो आत्मविश्वास से भरा है। इस वीडियो के अंत तक जाते जाते के आपके अंदर वह एनर्जी हो जाएगी जिससे आप किसी भी सक्सेस को पाने के लिए कामयाब हो सकते हैं। दोस्त, हम गरीब इसलिए नहीं होते कि हमारे पास रुपए नहीं है, बल्कि इसलिए गरीब होते हैं कि हमारा नजरिया गलत होता है। गलत नजरिया के कारण ही हम लोग गरीब होते हैं। आइए इसी एक कहानी से समझते हैं। एक भिखारी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा अधिकारी उधर से ही गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई भी पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में जाकर बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतर गया, भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूंगा क्योंकि मैंने इसकी कीमत दिया है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी ही हूँ। उसके बाद वह तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ समय बीतने के बाद वह अधिकारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहाँ सूट और टाई पहने हुए मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप मुझे शायद नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने 6 महीने पहले घटी घटना का जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? तब भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे दान देने के बजाय आप मेरे साथ सम्मान से पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है, आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा फैसला लेने के बारे में सोचा। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सामान लौटाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। उस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया। भिखारी के जिंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जाग उठा और उसके साथ ही कार्य क्षमता भी बढ़ गई और उसका नजरिया चेंज हो गया, जिसकी वजह से वह इतना बड़ा सक्सेस हासिल कर लिया। हमारी जिंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह जादू असर डालता है। अगर आपका आत्मविश्वास चरम पर है, आप किसी भी सक्सेस को आसानी से अचीव कर लोगे।